आज एक स्टेटमेंट देखा TBSC चेयरमैन का कि हमारे एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में पिपरासा स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे, सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आदमी कौन है जो इस ज़माने में हमारे लोगों को नीचे दिखाकर हमारे बच्चे के भविष्य के संग खेल रहा है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर आज पिपरासा एग्ज़ाम्स में फेल होगा तो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, तोहफा वहीं का वहीं रहेगा। ये हमें सिस्टम से बाहर रखने का एक प्लानिंग रहता है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, नॉट एज पॉलिटिशियंस बट एज पिपरासा। कभी तो अपने बच्चे के बारे सोचो, कभी तो राजनीति को दूर रखकर अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचो। मैं अपने सब पिपरासा को, स्टूडेंट्स को, माँ बाप को, पेरेंट्स को, सबको बोलना चाहता हूँ, टीचर्स को बोलना चाहता हूँ कि कब तक चुप रहेंगे हम लोग, कब तक? दिस इज बोबागरा आस्किंग पिपरासा टू गेट अप एंड रिजिस्ट एंड फाइट फॉर योर राइट्स। अपने अधिकार के लिए लड़ो। बेलाइनो हम्बाई।